अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट एबीसी मॉडल विद क्लाइंट। एबीसी मॉडल हम क्लाइंट को क्यों करवाते हैं? एबीसी मॉडल के जरिए हम क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करवाते हैं ना कि किस तरह से उनकी थिंकिंग, उनके इमोशंस और उनकी थिंकिंग कॉन्सिक्वेंस को डिवेलप कर रहे हैं। थिंकिंग इमोशंस में और बिहेवियरल रिएक्शंस में क्या कनेक्शन है, किस तरह से हेल्दी थॉट्स और अनहेल्दी थॉट्स कॉन्सिक्वेंस को डिवेलप करते हैं। सो मिस राबिया इस वीडियो में मेरे पास एज अ क्लाइंट रोल प्ले करने वाली हैं। इनको सोशल एंग्जाइटी है और मैं एबीसी मॉडल के ज़रिए अपने क्लाइंट को उनकी इलनेस के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए सबसे पहले मैं ये इनको किसी भी एग्जांपल के ज़रिए, इनकी अपनी लाइफ से ही मैं एग्जांपल लूँगी और उनके ज़रिए इनको बताऊँगी कि किस तरह से इनके बिलीव्स कॉन्सिक्वेंस को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि पेशेंट ये समझता है कि एंटीसीडेंट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस को लीड करते हैं। हम यहाँ पर पेशेंट को ये अवेयरनेस दिलाते हैं कि एंटीसीडेंट डज नॉट कॉज कॉन्सिक्वेंस, बल्कि यहाँ पर बिलीव्स होते हैं जो कॉन्सिक्वेंस को क्रिएट करते हैं। सो हम डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सर राबिया, हम थोड़ी देर के लिए ना आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर काम करते हैं कि आपका सोचना कैसे आपके मूड को अफेक्ट करता है। तो आप अपने पिछले दिनों में जाएं, अपने पास्ट में कुछ याद करें कि जिसमें आपका मूड कहीं बदला हुआ हो, आपको कहीं लगता हो कि आपका मूड बदल गया है, तो मुझे वो वाक्या बताएं। जी, जब मैं पिछले हफ्ते क्लास ले रही थी तो क्लास के दौरान टीचर ने मुझसे सवाल किया और उस वक्त मैंने उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो आपको याद है कि उस वक्त आप क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि जब मैं सवाल का जवाब दूंगी तो लोग मेरी तरफ देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगा कि लोग आपकी तरफ देखेंगे तो क्या होगा? जब लोग आपको देखेंगे तो क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो मेरी तरफ देखेंगे तो वो मेरे काम पे हुए हाथ देख लेंगे। अच्छा, तो जब आपने सोचा कि आप क्लास के दौरान बोलेंगे तो सब लोग आपके काम पे हुए हाथ देखेंगे, तो इस तरह सोचने से आप में क्या फीलिंग्स आईं? उस वक़्त आपने क्या महसूस किया? ये तो वाकया था ना कि आप क्लास में बोलेंगी, उस वक़्त आप में क्या फीलिंग्स आईं, आपने क्या महसूस किया? उस वक्त मैं बेचैन थी। यू आर रेस्टलेस। यस, ओके। रबे, देखें, मैंने आपकी एग्जांपल से ही एक डायग्राम बनाई है। आप ये देखें कि किस तरह से कोई भी सिचुएशन आपकी सोच को, आपके इमोशंस को बदल रही है। यहाँ पर ये एक एंटीसीडेंट था, ये एक सिचुएशन थी कि क्लास के दौरान टीचर ने आपसे सवाल किया और आपने सवाल का जवाब देना था। ये आपके लिए एक वाकया था, ठीक है? तो उस वक़्त आपके जहन में ये थॉट आई कि जी अगर मैं बोलूँगी तो लोग मेरे कांपते हुए हाथ देख लेंगे, तो इस बिलीफ की वजह से कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, आपने रिएक्शन ये किया कि आप एंग्शियस हो गए और आपकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गई, ठीक है? तो ये कॉन्सिक्वेंस है। तो आपने देखा किस तरह से आपका एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस को क्रिएट नहीं कर रहा। एक सवाल पूछने, टीचर ने सवाल किया तो फौरन ही आप एंक्शियस नहीं हुए, आप एंक्शियस हुए हैं अपने बिलीफ की वजह से। आपने ये सोचा कि मैं बोलूँगी तो लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे मेरे कामते हुए हाथ देखेंगे, तो ये बिलीफ कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर रहा है। इस बिलीफ की वजह से आप एंक्शियस हुए हैं, ऐसा ही है? जी। सो आपने देखा किस तरह से कि एंटीसीडेंट किसी इमोशन को क्रिएट नहीं कर रहा, यह हमारा अपना बिलीफ सिस्टम होता है जो हम में बिहेवियरल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है? सो व्यूअर्स, दिस इज़ द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एबीसी मॉडल विद द क्लाइंट। आवर इमोशंस, आवर बिहेवियर आर नॉट डायरेक्टली डिटरमिंड बाय लाइफ इवेंट्स, but rather by the ways these events are cognitively processed and evaluated.